हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में पढ़ा भाषा, भाषा की विभिन्न परिभाषाएं और भाषा के विभिन्न रूप। हम देखते हैं कि भाषा के अंदर रूप में और क्या क्या है। भाषा की विभिन्न रूप, नंबर एक बोली एक क्षेत्र विशेष में एक क्षेत्र विशेष में एक क्षेत्र विशेष में विचार अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा कहलाता है, बोली कहलाता है। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। नंबर दो, राजभाषा। भाषा का एक रूप है राजभाषा, यानी वह भाषा जो साहित्य के साथ साथ सरकारी कामकाज हिंदी भाषा के राजभाषा होने का उल्लेख संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी भाषा की राजभाषा होने का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 अनुच्छेद भाग एक में लिखा हुआ है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि संविधान के अनुच्छेद 343 की तरह प्रश्न में लिखा है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी लिपि, यानी हमारे संविधान में इस बात को उल्लेख है कि संघ या राष्ट्र की जो भाषा है, राजभाषा है, वो हिंदी। पहले हम पढ़ रहे बोली एक क्षेत्र विशेष में विचार अभिव्यक्ति का माध्यम बोली कहलाई है। नंबर दो, राजभाषा, वह भाषा जो साहित्य के साथ साथ सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होती हो, जो राजकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा है उसे राजभाषा कहा जाता है। और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक संविधान में राजभाषा हिंदी होने का उल्लेख है। आर्टिकल अनुच्छेद 343 फर्स्ट पैरा में लिखा है, भारत राज्य की राजभाषा हिंदी और लिपि
देवनागरी में। इस आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। हिंदी को 14 सितंबर को राजभाषा का दर्जा प्राप्त होने के कारण 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली गोली एक क्षेत्रीय विशेषण विचार अभिव्यक्ति का माध्यम। नंबर दो, राजभाषा सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है और संविधान में हिंदी की राजभाषा होने का उल्लेख अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक दर्ज है। 343 के पैरा फर्स्ट में लिखा है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी हिंदी। उसके बाद में आती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा वह भाषा जिसे देश के अधिकांश क्षेत्र में सरलता से बोला और समझा जा सके वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। क्या है राष्ट्रभाषा? वह भाषा जिसे एक बहुत बड़ी भूभाग पर रहने वाले लोग यानी देश के अधिकांश क्षेत्र एक बहुत बड़े भूभाग पर रहने वाले लोग सरलता से बोल सके समझ सके उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। संविधान में राष्ट्रभाषा हिंदी होने का उल्लेख नहीं है लेकिन फिर भी राष्ट्रभाषा हिंदी को माना जाता है। राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा एक बहुत बड़े भूभाग एक बहुत बड़े भूभाग में रहने वाले जनसमुदाय द्वारा सरलता से बोली हुए समझी जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहती है। यानी राष्ट्रभाषा क्या है कि वह भाषा जो किसी भी देश के अधिकांश क्षेत्र में प्रयुक्त होती हो अधिकांश क्षेत्र में रहने वाले लोगों के द्वारा जन समुदाय के द्वारा उसे सरलता से बोला जा रहा सरलता से समझा जा रहा उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। एक बहुत बड़े भूभाग इन देश के अधिकांश हिस्से क्षेत्र में रहने वाले जन समुदाय के द्वारा सरलता से बोली और समझे जाने वाली जो भाषा है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। उसके बाद में आती है मानक या आदर्श भाषा। मानक या आदर्श या स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वो क्या होती है? वह भाषा जो शिक्षाविदों व भाषा विद्वानों के द्वारा
यानी भाषा का वह रूप जिसे अनेक शिक्षाविद और भाषा विद्वान मिलकर उसकी एकरूपता तय करते हैं, उस भाषा को आदर्श या मानक या स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। अब आदर्श और मानक भाषा होती क्या है? पहले हमारे हिंदी में अ इस रूप में या फिर अ इस रूप में, पहले अने को इस प्रकार, इस प्रकार अक्षरों के अनेक रूप प्रसिद्ध थे। लेकिन केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा जब हमारी हिंदी भाषा को स्टैंडर्ड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, मानक भाषा बनाया गया, तब इसके अक्षरों में एकरूपता तय कर देगी कि किसी भाषा के अक्षरों का केवल यही रूप सर्वमान्य होगा, सही माना जाएगा। तो अनेक भाषा विद्वानों और शिक्षाविदों के द्वारा भाषा की एक रूपता के आधार पर जो भाषा तैयार होती है उसे हम मानक या आदर्श भाषा कहते हैं। उसके बाद दूसरी जो भाषा आती है वो आती है मातृभाषा। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं मातृभाषा कि एक बल अपने परिवार से जिस भाषा को अपनाता और सीखता है उसके लिए वह मातृभाषा होती है। यानी एक बालक जन्म लेने के बाद अपने परिवार से, अपने माता पिता से, समाज से जो भाषा सीखता है, जो अपनाता है, उसे मातृभाषा कहा जाता है। उसके बाद में आती है राज्य भाषा या प्रादेशिक। राज्य विशेष में प्रयुक्त होने वाली भाषा या राज्य विशेष में अपनाई जाने वाली जो भाषा है उसे क्या कहा जाता है? राज्य भाषा। या प्रदेश विशेष में बोली जाने वाली, काम में आने वाली, प्रयुक्त होने वाली जो भाषा है उसे प्रादेशिक भाषा कहते हैं। फिर है उपभाषा। अभी हम हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं और बोलियां पढ़ेंगे, तब विस्तृत चर्चा भी करेंगे उपभाषा क्या है। जब एक से अधिक बोलियां मिलकर, एक से अधिक बोलियों का समूह है जिसमें साहित्यिक रचना होती है या जो साहित्य में प्रयुक्त होती है। एक से अधिक बोलियों का समूह है जिसमें साहित्य रचा जाता है या साहित्य में प्रयुक्त होती है उसे उपभाषा कहते हैं। जैसे पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी एक उपभाषा है जिसमें तीन बोलियां शामिल हैं। एक बार फिर से बोली एक क्षेत्र विशेष में विचार अभिव्यक्ति का माध्यम बोली है। उसके बाद में है राष्ट्रभाषा, एक बहुत बड़े भूभाग पर बोली जाने वाली या देश के अधिकांश क्षेत्र में बोली जाने वाली, प्रयुक्त होने वाली जो भाषा है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा है वो राजभाषा कहलाती है। देश की राजभाषा हिंदी है। संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी की राजभाषा होने का उल्लेख है। 343 के पहला पृष्ठ में लिखा है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। 14 सितंबर को हिंदी को एक मानक राजभाषा का दर्जा दिया गया है, इसलिए 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद में है मानक या आदर्श भाषा। अनेक शिक्षाविद और भाषा विद्वान मिलकर किसी भाषा की एक रूपता तैयार करते हैं, वह भाषा मानक या आदर्श भाषा कहलाती है। एक परिनिष्ठ भाषा जिसमें साहित्य रचा जाता है, जो व्याकरण सम्मत होती है, उसे परिनिष्ठ भाषा कहते हैं। उसके बाद मातृभाषा, एक बालक अपने परिवार से, अपने माता पिता, अपने समाज से जो भाषा सीखता और अपनाता है उसे मातृभाषा कहते हैं। प्रदेश विशेष में जो बोली जाती है उसे प्रादेशिक या उसे राजभाषा भी कहते हैं। अनेक बोलियों का जो समूह है जिसमें साहित्य रचा जाता है उसे उपभाषा कहा जाता है। एक अमानक स्थायी भाषा भी होती है जिसे साहित्य में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, जो असभ्य या अनपढ़ लोगों के द्वारा प्रयुक्त की जाती है।
उसे हम समझ गया अमानक भाषा कहते हैं जो मानव बोली है। उसके बाद में हम देखते हैं कि हिंदी भाषा और उसकी प्रमुख बोलियां, हिंदी भाषा व प्रमुख बोलियां, अभी हम पढ़ चुके हैं कि कई बोलियों से भाषा का निर्माण होता है। सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी भाषा, हिंदी भाषा में जो हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द है वो ईरानी या फारसी भाषा से लिया गया है। हिंदी भाषा में जो पर्टिकुलर हिंदी शब्द है वो ईरानी या फारसी भाषा का है, क्योंकि ईरानी और फारसी भाषा में हमारे यहां से अक्षर का जो उच्चारण है वो ईरानी और फारसी में है के रूप में होता है। तो उन दिनों आने वाले जो ईरानी और फारसी लोग हैं, सिंधु नदी और उसके आसपास जो क्षेत्र है, सिंधु क्षेत्र, वहां के जो लोग हैं जिनको हम सिंधु भाषी कह सकते हैं, वो जो ईरानी और फारसी लोग रहते थे वो सिंधु नदी को हिंदू नदी, सिंधु भाषियों को हिंदू भाषी और वहां की जो भाषा सिंधी उसको हिंदी रूप में प्रयुक्त करने लगे। इस प्रकार ये जो हिंदी शब्द है वो ईरानी या फारसी भाषा से आया है। अक्सर तैयार कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम में सामान्यतः पूछ लिया जाता है ये शब्द किस भाषा से लिया गया है या हिंदी की किसी बोली का क्षेत्र पूछ लिया जाता है। तो हम देखते हैं कि हिंदी शब्द है वो ईरानी या फारसी भाषा से लिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि हिंदी जो भाषा है वो कितनी उपभाषाओं और कितनी बोलियों से मिलकर बनी। हिंदी भाषा 5 उपभाषाओं और 18 बोलियों से मिलकर बनी है। पहली जो उपभाषा है वो है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी उपभाषा में 3 बोलियां शामिल हैं। पहली जो बोली है वह अवधी। हिंदी भाषा को 5 उपभाषा क्षेत्रों में बांटा गया है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी हिंदी। तो पहले हम बात करते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियों को शामिल किया गया है, अवधी, बघेली छत्तीसगढ़ी। नंबर 2 दूसरी उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियों का समूह है, ब्रज, हरियाणवी है बांगड़ू, बुंदेली, मारवाड़ी
वाल्मीकि में ही हड़ौती भी लिख देते हैं। चौथा जो उपभाषा क्षेत्र है वो है बिहारी, और बिहारी में तीन बोलियों का समूह है, भोजपुरी, मैथिली, मगही। उसके बाद है पांचवा उपभाषा क्षेत्र पहाड़ी हिंदी। इसमें तीन बोलियां हैं, मेवाती और मालवी बोली को शामिल किया गया है।